गाइस, दिस इज सीए मोनीश वोरा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनअकैडमी सीए फाउंडेशन YouTube चैनल। कैसे हैं सभी लोग एंड क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से बताइए यार, एम आई ऑडिबल और नॉट? यस 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 गाइस, अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून। सो बीसी के चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आज से। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, हम बीसी के चैप्टर 3 के अपडेटेड लेक्चर्स स्टार्ट कर रहे हैं। आज है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 1 बीसी के चैप्टर 3 का। पहले मैं कुछ चीजें बता दूं कि अगर आप लोगों ने बीसी के चैप्टर 1 अभी तक नहीं पढ़ा है, या अगर आप लोगों ने बेटा बीसी के चैप्टर 2 अभी तक नहीं पढ़ा है, तो कोई बात नहीं, आप चैप्टर 3 देख सकते हैं। बीसी के सब्जेक्ट में हमारे चैप्टर्स के बीच कोई भी लिंकिंग नहीं है, आप कभी भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने चैप्टर 1 एंड 2 नहीं भी पढ़ा तो भी चलेगा, आप इस चैप्टर को आज देख सकते हैं। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही, क्या बोल रहा हूँ? यस, बीसी के चैप्टर 3 में बेटा मई 2022 एग्जाम्स के लिए काफी सारे अपडेट है। इसमें कुछ नई चीजें भी डाली है, वो क्या है मैं आपको क्लासेस के दौरान आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन जो लोग मुझे नहीं जानते उन सबको बता दो कि आई एम मोनीश वोरा, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड गाइस मैं आप सबको सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स बीसी के पढ़ाता हूँ। दोस्तों ये हमारी बाहुबली टीम है जो आपको अनअकैडमी सीए फाउंडेशन लेवल पे पढ़ाते हैं। आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये एकमात्र हमारे टीम का चैनल है। आगे आप जितने भी मेरे फ्री सेशन अगर देखना चाहते हैं तो liveDaily.me/CA Live Daily इस लिंक पे चले जाना, और एमवी सर वाले टैब पे जाना, तो यहाँ पे आपको मेरे सारी क्लासेस एक जगह पे मिल जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर आप हमसे फुल कोर्स स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना चाहते हैं तो आपको अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। दोनों पे सेम क्लासेस आपको मिलती है, लेकिन प्लस में बेटा आपको मिलते हैं पीडीएफ नोट्स एंड आइकॉनिक में आपको मिलते हैं पीडीएफ नोट्स के साथ साथ प्रिंटेड बुक्स एंड प्रिंटेड बुक्स पर्सनल कोच जैसे एडिशनल फीचर्स। यस, तो दोनों में सेम क्लासेस होती है, लेकिन आइकॉनिक में जो आपको एडिशनल फीचर्स मिलते हैं। तो अभी हमारे अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक में लक्ष्य 2.0 बैच एंड मिशन सक्सेस बैच बेटा हमारा चल रहा है। आज बेटा है लास्ट डेट, आज है लास्ट डे ऑफ 20% ऑफ। तो आज भी समय है, आप क्या कर सकते हैं, हमारे मिशन सक्सेस बैच ज्वाइन करें। हमारे नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, एमबी सर को लगा के अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। राइट, 20% ऑफ अभी आज लास्ट डे बेटा इस ऑफर का। एंड आप चाहे तो कॉम्बो भी ले सकते हैं, फाउंडेशन इंटर दोनों की क्लासेस एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाती है। तो आ जाओ यार हमारे अनअकैडमी ऐप पे हमारे से डिटेल में कोर्स पढ़ने के लिए। चलिए, सो क्या सब लोग रेडी, मुझे बताइए फास्ट जल्दी से, क्या सब लोग रेडी है मुझे बताइए जल्दी से गाइज, यस और नो? क्या हम बीसी के चैप्टर 3 स्टार्ट कर सकते हैं? यस 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 गाइज, कम ऑन, जल्दी से बताना है, आंसर आंसर देना है, जल्दी से बताना है, आंसर आंसर देना है। चलिए, ओके सर, रेडी सर, रेडी, चलिए ओके। तो सबसे पहली बात बेटा, इस चैप्टर का नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, राइट? नाम क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। इस चैप्टर में इंस्टीट्यूट क्या चाहता है, इस चैप्टर में जो बेटा इंस्टीट्यूट चाहता है कि हमारे दुनिया में जो फेमस कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके बारे में आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो इस चैप्टर में आपको 24 इंडियन कंपनीज एंड 10 ग्लोबल कंपनी, ग्लोबल कंपनी मतलब क्या, जो इंडिया के बाहर स्टार्ट हुई है लेकिन इंडिया वगैरह में भी इसके कुछ ऑपरेशंस हैं। तो ऐसी ग्लोबल कंपनीज एंड इंडियन कंपनीज जो इंडिया में स्टार्ट हुई हो, 24 इंडियन एंड 10 ग्लोबल कंपनीज, इसका पूरा डेटा आपको पढ़ना है कि ये कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, कौन से सिटी में इसका हेडक्वार्टर है, कौन चेयरमैन है, कौन मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये कंपनी किस तरह का बिजनेस करती है, समझ में आ रहा है, ये कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, इसका विजन क्या है, मिशन क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। एंड आज मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप ये चैप्टर मुझसे पढ़ते हैं तो इस चैप्टर में ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाने वाला है, क्योंकि बेटा इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए मैं बहुत सारी ट्रिक्स मैंने बनाई हैं, और ये ट्रिक्स के साथ आप जब पढ़ते हैं ना तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा चिल्टू, बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है आपके लिए। ठीक है, यस, सो अब देखेंगे बेटा जल्दी से। हाँ,
यस चलेगा बेटा, मैंने क्या बोला, आपने कोई भी चैप्टर नहीं किया तो भी आप ये देख सकते, कोई दिक्कत की बात है नहीं, राइट। तो इसमें आपको जैसे दिख सकता है बेटा, आपके बुक में जो है ना, मैं आपके बुक में भी आपको लेके जाता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये आपका स्टडी मटेरियल है, ये आपका स्टडी मटेरियल है, राइट। तो इस स्टडी मटेरियल में आपको देखो किस प्रकार से डेटा दिया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। रुकेंगे, बता रहा हूँ, देखेंगे बेटा ध्यान से। यस, ये देखो, ये आपका चैप्टर नंबर 3 का आपके बुक में जो चार्ट दिया है वो ये है ना, आपके बुक में जो चार्ट दिया बेटा वो ये है चैप्टर 3 का। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंडियन कंपनीज जो है, यहाँ पे बेटा इंस्टीट्यूट क्या करता है, आपको ना अल्फाबेटिकली पढ़ाता है। पहले ए से सारी कंपनीज लिख दिया, फिर बी से कंपनीज है, फिर सी से है, फिर डी, फिर उसके बाद एफ जी एच उससे है, मतलब अल्फाबेटिकली आपको पढ़ाता है। लेकिन मैं आपको इनकॉर्पोरेशन ईयर वाइज पढ़ाता हूँ, मतलब जो कंपनी पहले आई है देश में उसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे, राइट। तो ये कैसे रहेगा सारी चीजें बताऊंगा, बिल्कुल भी आप निश्चिंत हो जाइए, राइट। तो इसमें मैं आपको बहुत सारी समरीज देने वाला हूँ, जैसे ये समरी है, मैं बहुत सारी समरी बनाई बेटा इस चैप्टर के लिए, तो इस समरी से आपको पढ़ाऊंगा, बहुत आसान हो जाएगा चैप्टर आपके लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सारी चीजें बताएंगे, बस धैर्य रखेंगे थोड़ा सा। चलिए तो स्टार्ट करते बेटा। सबसे पहली बात जो है, हम इस चैप्टर में जो है सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि हम जो बेटा यहाँ पे हर एक कंपनी का ओवरव्यू लेने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे हर एक कंपनी का ओवरव्यू लेने वाले हैं। मतलब मैंने जो अभी बोला ना कि कंपनी क्या करती है, कंपनी कब स्टार्ट हुई, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, चेयरमैन कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, ये सारी जानकारी को प्राप्त करने को बोलते हैं कि हम कंपनी का ओवरव्यू ले रहे हैं। क्या बोलते हैं, हम कंपनी का ओवरव्यू ले रहे हैं। अब ये कंपनी का ओवरव्यू किसको काम आता है, तो बोलते हैं चार टाइप के बेटा बिजनेस प्रोफेशनल्स होते हैं, चार टाइप के बिजनेस प्रोफेशनल्स होते हैं जो इस डेटा को यूज करते हैं अपने डिसीजन लेने के लिए। तो चार टाइप के बिजनेस प्रोफेशनल्स की बातें आपकी बुक करता है। सबसे पहले पहला होता है बेटा बजट एनालिस्ट, दूसरा होता है फाइनेंशियल एनालिस्ट, तीसरा होता है मैनेजमेंट एनालिस्ट, एंड चौथा होता है बेटा मार्केट रिसर्च एनालिस्ट। तो बोलते हैं ये चार टाइप के बिजनेस प्रोफेशनल्स होते हैं जो इस कंपनी ओवरव्यू के डेटा को यूज करते हैं, है ना। कैसे, बोलते हैं कि बिजनेस प्रैक्टिसेस को एनालाइज करने के लिए, है ना। अगर उनके बिजनेसेस में कोई प्रॉब्लम्स है तो कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, मार्केट में लोगों को किस प्रकार के प्रोडक्ट्स चाहिए, तो क्या किसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करने की जरूरत है, तो वो सारे डिसीजंस देने के लिए हेल्प करता है, राइट। फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजर सॉल्यूशंस देने के लिए ये चार बिजनेस प्रोफेशनल्स इस कंपनी ओवरव्यू के डेटा को यूज करते हैं, समझ में आ रहा है। तो अब बताया है कि बजट एनालिस्ट कौन होता है, सबसे पहले क्या बताए बताइए, सबसे पहले जो है बजट एनालिस्ट कौन होता है, है ना। देखो बच्चे बड़े, सर बहुत ही लेंदी है, सर ये चैप्टर तो इतना लेंदी है, क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा मैंने आपको क्या बोला, धैर्य रखेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर मैंने समरी में कन्वर्ट कर दिया है, पूरा चैप्टर समरी में कन्वर्ट कर दिया है, और एग्जाम में इस समरी में से ही एमसीक्यू आता है, अराउंड 6 से 7 मार्क के एमसीक्यूज आते हैं, इसमें से मैं बोल रहा हूँ 90% एमसीक्यू यही समरी से आएगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो धैर्य रखेंगे, सारी ट्रिक्स बताऊंगा तो बहुत आसान हो जाएगा चैप्टर, पर पेशेंस रखना जरूरी है जीवन में, जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे तब तक नहीं चलेगा, ठीक है। तो पेशेंस रखना जरूरी है। चलिए बेटा क्या चेंज आया है इसमें, अगेन आप समझ नहीं रहे बेटा, पेशेंस रखिए, हर एक चीज पता चलेगी ना। आप लेक्चर्स करते जाइए, अभी तो डेली अभी हो गए, अभी नेक्स्ट लेक्चर मंडे को होगा, तो पेशेंस रखिए, सब बताऊंगा आगे। चलिए तो सबसे पहला बजट प्रोफेशनल, सबसे पहला बिजनेस प्रोफेशनल कौन होता है, बोलते हैं बजट एनालिस्ट। बजट का मतलब क्या होता है, है ना। तो जैसे आपके घर पे आपकी मम्मी भी महीने के एंड में, है ना, जब मंथ एंड होता है तब मम्मी भी क्या करते हैं, बजट बनाती है कि अगले महीने कितना कितना खर्चा होने वाला है, है ना, किराना किराना लाने में कितना खर्चा होगा, जैसे ग्रोसरीज बोलते हैं, है ना, हमारे इलेक्ट्रिक बिल पे कितना खर्चा होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आएगा, अगर रेंट रेंटेड हाउस है तो रेंट कितना देना पड़ेगा, ये सारे खर्चे निकालते हैं। कैसे निकालते होंगे मुझे एक बात बताओ, ये कैसे निकालते होंगे कि जैसे मम्मी ने बोला कि किराना जो है अगले महीने 15,000 रुपये का लगेगा, तो ये कैसे सोचते होंगे वो कि 15,000 का लगेगा, तो मम्मी सोचते हैं क्या पास्ट में
पिछले महीने कितने रुपए का किराना लगा था उसके हिसाब से ही अगले महीने का लगेगा। समझो पिछले महीने मुझे 12,000 का किराना लगा था तो क्या अगले महीने 1,00,000 रुपए का लगता क्या? ऐसा होता क्या? नहीं। बोलते हैं हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस, पास्ट के डेटा को यूज करके हम फ्यूचर के खर्चों को एस्टिमेट करते हैं, उसे बोलते हैं बजट बनाना। समझ मारा है? यस। तो जिस तरह से आपकी मम्मी अपने फाइनेंसेस को ट्रैक करने के लिए बजट बनाते हैं, वैसे ही हर एक कंपनी भी बजट बनाती है। और बजट बनाने के लिए हमें बजट एनालिस्ट को हायर करना पड़ता है। जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह रहते हैं वो ये काम कर सकते हैं, है ना, सीएमए सीएस ये लोग भी ये काम कर सकते हैं बजट बनाने का, है ना, पर जनरली सीए सीएमएस जो रहते हैं उनको जनरली हायर किया जाता है इसके लिए, है ना। तो ये क्या करते हैं आप देखेंगे, बजट एनालिस्ट हेल्प कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू कीप देयर फाइनेंसेस ऑन ट्रैक। दे प्रिपेयर बजट्स कि अगले साल कितना खर्चा होने वाला है, है ना, और कहां कहां से हमारे पास पैसा आने वाला अगले साल, उसका एक एस्टिमेट निकालते हैं। कैसे निकालते होंगे एस्टिमेट, कैसे प्रिडिक्शन लगाएंगे? बोलते हैं द फोरकास्ट आर बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड जो करंट ट्रेंड चल रहा होगा उसके हिसाब से करते हैं फोरकास्ट। नेक्स्ट बोलते हैं बजट एनालिस्ट आर वाइटल, वाइटल मतलब क्या? इंपॉर्टेंट टू अचीव द फाइनेंशियल गोल्स ऑफ द कंपनी। बेटा ऐसा ना हो कि हमने, अब समझो अगर मैं पहले से ट्रैक नहीं रखूंगा खर्चों का तो दनादन खर्चे होते जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा पैसा कहाँ जा रहा है। अरे शेयर होल्डर से पैसा आ तो रहा है पर पैसा जा कहाँ रहा पता ही नहीं चल रहा है। तो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ मेंटेन रखने के लिए हमें बजट बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें एक एमसीक्यू आता है बेटा कि बजट एनालिस्ट जो है ये बजट प्रिपेयर करते हैं, ये बजट से रिलेटेड फाइनल डिसीजन नहीं लेते। ये बात समझ में आ रही है? मतलब कि मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब कि मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे मम्मी क्या करती है, मम्मी बजट को प्रिपेयर करती है, लेकिन इसको फाइनलाइज कौन करेगा? इसको बेटा दिल पे नहीं लेना, कोई ऐसा नहीं बोल रहा सर ऐसे कैसे, दिल पे नहीं लेना है, नॉर्मल एग्जाम्पल ले रहा हूं कि मम्मी क्या करती है वो बजट प्रिपेयर करती है बस, पर फाइनलाइज कौन करेगा कि हाँ चलो ठीक है अगले महीने इतना रुपया चाहिए क्या, ठीक है दे देंगे, फाइनलाइज कौन करता है? तो पापा फाइनलाइज करते हैं। उसी प्रकार से उसी बजट एनालिस्ट सिर्फ प्रिपेयर करता है बजट को, पर इस पे फाइनल डिसीजन कौन लेगा? तो जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो फाइनल डिसीजन लेता है। तो ये एमसीक्यू आ सकता है कि डैश टेक्स फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग बजट्स। तो कौन लेता है फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग बजट? बजट एनालिस्ट नहीं लेता फाइनल डिसीजन, वो सिर्फ प्रिपेयर करके देता है, पर फाइनलाइज कौन करेगा? ओनर्स एंड मैनेजमेंट फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट अगली बात देखेंगे। दूसरा बिजनेस प्रोफेशनल है बेटा फाइनेंशियल एनालिस्ट। अब आप लोगों ने बेटा टीवी में देखा होगा जैसे CNBC, है ना, ऐसे बहुत सारे स्टॉक मार्केट के न्यूज चैनल्स आते हैं जिसमें स्टॉक मार्केट का पूरा डेटा आपको बताया जाता है ना। उसमें कुछ लोग आते हैं एकदम टाई वाई पहन के रहते हैं, है ना, टीवी में एकदम टाई वाई पहन के रहते हैं एंड हाँ टीवी में टाई वाई पहन के रहते हैं एंड जो है उस वो लोग जो है ना आपको क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं कि कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए, कितने रुपए में खरीदना चाहिए, है ना, कौन सी कंपनी का शेयर बेच देना चाहिए। वो सारे लोग होते हैं बेटा आपके फाइनेंशियल एनालिस्ट। समझ मारे? तो इस फाइनेंशियल एनालिस्ट को मैं और क्या बोल सकता हूँ, सिक्योरिटी एनालिस्ट या इक्विटी एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट या रेटिंग एनालिस्ट। तो फाइनेंशियल एनालिस्ट के मल्टीपल नाम है ना, सिक्योरिटी एनालिस्ट, इक्विटी एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट एंड रेटिंग एनालिस्ट, इन्हें बोलते हैं। ये एडवाइस देते हैं हमें ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कि हमें हमारे पैसों को कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, उस पे एडवाइस देते हैं। सोच के देखो बेटा, इनको भी तो अलग अलग कंपनी का ओवरव्यू लेना पड़ेगा। जब इनको पता होगा कि रिलायंस कंपनी का पूरा डेटा इनके पास होगा, जब इनके पास टाटा कंपनी का पूरा डेटा होगा, तब जाके ही तो ये एडवाइस दे पाएंगे कि कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने के लिए इनको कंपनी ओवरव्यू लेना पड़ता है। क्या फील आ रही बात है? इन्हें मैक्रो इकोनॉमिक एंड माइक्रो इकोनॉमिक जो चेंजेस होते हैं इकोनॉमी में, उसका इनको नॉलेज होना चाहिए, कंपनीज के बेसिक्स का फंडामेंटल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कंपनीज की, तब जाके ही ये रिकमेंडेशन कर सकते हैं।
तो एमसीक्यू आ सकता है कि डैश आर द एनालिस्ट हु रेकमेंड अ कोर्स ऑफ एक्शन सच एज टू बाय और सेल अ कंपनी स्टॉक. कौन देता है ये एडवाइस? फाइनेंशियल एनालिस्ट. समझ में आ रहा है? फाइनेंशियल एनालिस्ट. आगे नेक्स्ट, अगला देखेंगे जल्दी से. हाँ अगला देखिए बेटा, नेक्स्ट जल्दी से. यस अगला देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे. अगली बात है बेटा, मैनेजमेंट एनालिस्ट एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट. अब आपने बेटा यूट्यूब पे देखा होगा जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा, वो क्या करते हैं बताइए? वो जो है ना एडवाइसेस देते हैं, है ना. उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं स्टार्टअप्स वगैरह के, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को वो एडवाइस देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका सेल्स ग्रो हो सकता है, है ना. सेल्स ग्रो हो सकता है ना. वो बार बार ऐसी बात करते बोले जे कर्व, ऐसा बोलते हैं लोग, है ना, कि आपके बिजनेस में क्या आप आपके बिजनेस में जे कर्व लाना चाहते हैं. जे कर्व का मतलब क्या होता है? मतलब आपके बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, इस वजह से जे कर्व. मतलब क्या आपके बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, क्या आप आपके बिजनेस को की एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं. एफिशिएंसी बढ़ाना मतलब क्या? कॉस्ट को कम करना और प्रॉफिट को बढ़ाना, इसे बोलते हैं एफिशिएंसी बढ़ाना. क्या आप प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को हायर करना पड़ता है. अब मुझे बताओ, अगर विवेक बिंद्रा जी ने मेरी कंपनी के लिए, मैंने ना विवेक बिंद्रा जी को क्या किया, इनका कंसल्टेंसी लिया, मेरी एमवी फूड्स लिमिटेड, मेरी कंपनी बेटा एमवी फूड्स लिमिटेड, ठीक है, तो इसके लिए मैंने इनसे एडवाइस ली कि कैसे मैं सेल्स ग्रो कर सकता हूँ, कैसे एमवी ओला का सेल बढ़ा सकता हूँ. समझ में आ रहा है जी? हाँ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस. तो यहाँ पे क्या होगा बताइए जल्दी से, यहाँ पे क्या होगा बताइए फास्ट. तो यहाँ पे जो है ये मुझे कंसल्टेंसी जब दे देंगे, उसके बाद क्या होगा, क्या ये मेरे पास एम्प्लॉय बन गए क्या मेरे, क्या ये मेरे एम्प्लॉय बन जाएंगे विवेक बिंद्रा जी? नहीं, मैंने तो उनको बस एज अ कंसल्टेंट हायर किया है. मतलब ये जो है बेटा अलग अलग कंपनी के लिए केस टू केस बेसिस पे काम करते हैं. इनको एक प्रॉब्लम दी जाती है एंड इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे इसके सॉल्यूशंस वो लोग मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्रोवाइड करता है. तो इन्हें हम फ्रीलांस कंसल्टेंट बोलते हैं. फ्रीलांस मतलब क्या, कि ये केस टू केस बेसिस पे काम करते हैं, हमारे एम्प्लॉय नहीं बन जाते, इसे फ्रीलांस कंसल्टेंट बोलते हैं, है ना. कि आप अलग अलग कंपनीज के लिए काम करते हैं पर किसी के एम्प्लॉय नहीं है, केस टू केस बेसिस पे, प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करते हैं. तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट एमसीक्यू आ सकता है. कौन सा कंसल्टेंट है जो जिसको आप हायर करते हैं फॉर इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. अगेन अब समझो इस बात को, अगर विवेक बिंद्रा जी को मेरी कंपनी का एफिशिएंसी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना है, तो इन्हें सबसे पहले मेरी कंपनी का ओवरव्यू लेना पड़ेगा. क्या फील आ रही है बातें आपको? मेरी कंपनी का ओवरव्यू लेना पड़ेगा, मेरी कंपनी के बारे में सारी जानकारी लेनी पड़ेगी, तभी तो कंसल्टेंसी दे पाएंगे. यस, तभी तो कंसल्टेंसी दे पाएंगे. यस नो गाइस? आगे नेक्स्ट, अगली बात देखेंगे बेटा. नेक्स्ट लास्ट आपका बिजनेस प्रोफेशनल कौन है देखेंगे. फर्स्ट लास्ट बेटा मार्केट रिसर्च एनालिस्ट. क्या आपको याद आ रहा है बेटा, हमने इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 में एक एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड पढ़ा था. एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, ऐसा इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 में हमने डिमांड फोरकास्टिंग में ये चीज पढ़ी है, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड. याद आ रहा है ऐसा कुछ? जिसने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं. तो एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड में क्या होता है बेटा, हम मार्केट के जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हें हायर करते हैं एंड इन्हें पूछते हैं कि यार हमारे प्रोडक्ट की फ्यूचर का सेल कितना होगा, क्या हमें हमारे प्रोडक्ट में कोई डिजाइन में चेंज करने की जरूरत है, प्रोडक्ट को इम्प्रूव कैसे करें जिससे मार्केट में हमारा सेल और बढ़े. तो इसके लिए हम मार्केट रिसर्च एनालिस्ट को हायर करते हैं जो हमें बताता है हमारे स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को स्टडी करता है. जो क्या करता है, ये हमें बताता है कि कैसे हम हमारे मार्केट शेयर प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करें, हमारा सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें मार्केट रिसर्च एनालिस्ट हेल्प करेगा. ये बताएगा कि आपके प्रोडक्ट्स में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या क्या नए फीचर्स लेके आने चाहिए, आपको प्राइस क्या सेट करना चाहिए, ये सारी चीजें कौन बताएगा? आपका मार्केट रिसर्च एनालिस्ट ऐसी एडवाइस देगा जिससे आप आपके कॉम्पिटिटर्स को हरा सको, उनसे ज्यादा सेल कर सको, उनसे बेहतर प्रोडक्ट बना सको. मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, ठीक है. तो ये एमसीक्यू आ सकता है आपको. वापस से हमने अभी तक क्या पढ़ा बेटा, हमने अभी तक पढ़ा है चार टाइप के बिजनेस प्रोफेशनल्स,
चार टाइप के बिजनेस प्रोफेशनल्स जो कंपनी ओवरव्यू के डेटा को यूज करते हैं. एमसीक्यू आता है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड टॉपिक इन बीसी के चैप्टर थ्री. पहली बात तो बच्चा बीसी के चैप्टर थ्री को ही स्किप करता है, और दूसरी बात इंट्रोडक्शन वाली बात नहीं पढ़ता. अब आपके स्टडी मटेरियल में चेक करो, सबसे पहले इंस्टीट्यूट ने इन चारों के बारे में ही डेटा दिया है आपको, तो हम बुक के हिसाब से ही चल रहे हैं. मैंने अभी इनके बारे में आपको सारी चीजें बता दी है, ठीक है. अब मैंने बेटा क्लास में देख रहा हूं कुछ बच्चे ना बड़े ही बेचैन है, कुछ बच्चे जो है ना बेटा बड़े ही क्या बताइए बेचैन है, उनसे बेचैनी सहन नहीं हो रही है, और हजारों सवाल आज ही उनको सब जानना है ना, आज ही उनको सब जानना है. तो बेटा ऐसा नहीं होता है, पहले आप धैर्य रखेंगे, जीवन में पेशेंस रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जीवन में पेशेंस रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. तो कृपया करके बेटा धैर्य रखें, आपको हर एक चीज मैं करवाऊंगा, पहले भी करवाते आ रहा हूं, अभी भी करवाऊंगा, इस बार भी करवाऊंगा, ठीक है. तो क्या बोल रहा हूं मैं बताइए, धैर्य रखेंगे, ठीक है. हाँ सर, प्लेलिस्ट अपडेट कर दो. तो रमेश जी, प्लेलिस्ट हमारी ऑलरेडी अपडेटेड है लाइव डेली लिंक में, ठीक है. तो लाइव डेली लिंक में आप जाएंगे ना, यहाँ पे आपको मेरी अपडेटेड प्लेलिस्ट ही मिल जाएगी, एक बार यहाँ पे जाके चेक करें एमबी सेट टैब में, ठीक है. अब क्या है यहाँ पे सबको ना, मैं जब पढ़ा रहा हूँ तभी सबको ऐसे सवाल पूछने हैं जो इनरेलीवेंट है अभी, तो कृपया करके ऐसा ना करें, पढ़ लीजिए पहले पूरे चीजें हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो पहले पढ़ लेंगे, बाद में वो सारी चीजें देखेंगे. मैंने बीच में एक स्ट्रैटेजी सेशन लिया था, कुछ दिन पहले मैंने स्ट्रैटेजी सेशन लिया था, उस समय पे मैंने सारी चीजें डिस्कस की थी कि मैं कब क्या पढ़ाने वाला हूँ, किसको क्या पढ़ाने वाला हूँ, कहाँ से क्या पढ़ना है, सारी चीजें बेटा स्ट्रैटेजी सेशन में कवर्ड है, उसकी भी लिंक मैं यहाँ पे डलवा दूंगा, ठीक है. चलिए वापस आएंगे इधर. अब नेक्स्ट बात आती है सर, अब नेक्स्ट बात आती है सर कि कंपनी ओवरव्यू है ना, ये हमें पढ़ने की जरूरत क्या है, है ना, ये हमें पढ़ने की जरूरत क्या है, ठीक है. हाँ, ये हमें पढ़ने की जरूरत क्या है. चलो इधर देखो क्या लिखा है, बोलता है द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस चैप्टर इज टू सेंसिटाइज. क्या बोला है, सेंसिटाइज. बेटा सेंसिटाइज का मतलब क्या है, दांतों में तेज झुंझुनाहट को सेंसिटिविटी बोलते हैं, है ना. दांतों में तेज झुंझुनाहट को क्या बोलते हैं. बेटा ये वो वाला नहीं है, ठीक है. सेंसिटाइज मतलब क्या, अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, आपको नॉलेज देना चाहते हैं, आपको अवेयर करना चाहते हैं कि देखो आप सीए बन गए और उसके बाद भी आपको पता नहीं कि रिलायंस कंपनी क्या करती है, है ना. सीए बन गए फिर भी पता नहीं कि टाटा कंपनी क्या करती है, तो कितनी बुरी बात हो जाएंगी यार, है मतलब गजब बिद्दत हो जाएंगी यार. तो दिस द आइडिया बिहाइंड दिस चैप्टर इज टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, कि हमारे इंडिया में कौन से मेजर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड इनका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इंडिया की इकोनॉमिक सिस्टम में, ये आपको समझना चाहिए, इसलिए आपको इनके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, समझ मारा है. और इसीलिए हमें जो है हर कंपनी का हिस्ट्री पता होना चाहिए, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. तो जो बड़ी बड़ी है उसका ही जानेंगे, सबकी जानने की जरूरत नहीं. अब आपने बेटा स्टॉक मार्केट के टर्मिनोलॉजी में बहुत बार ये चीजें पढ़ी होगी, निफ्टी, निफ्टी एंड सेंसेक्स ना, निफ्टी एंड सेंसेक्स, ऐसा कहीं पढ़ा है आपने, ऐसा पढ़ा नहीं तो सुना होगा कम से कम, राइट. बताइए, पढ़ा नहीं तो सुना होगा. यस, जल्दी से, है ना. हाँ सुना है ना. तो क्या होता है निफ्टी एंड सेंसेक्स, तो बोलते हैं निफ्टी जो है ना बेटा ये एक इंडिकेटर है, इसका इंडिकेटर है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडिकेटर है, और सेंसेक्स जो है ये भी एक इंडिकेटर है, ये किसका इंडिकेटर है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडिकेटर है. एकदम सिंपल भाषा में बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है ना. सुनेंगे
बेटा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अराउंड 2000 कंपनीज जो है ना, 2000 कंपनीज के शेयर्स लिस्टेड हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5000 कंपनीज के आसपास की के शेयर्स लिस्टेड हैं, है ना। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सारी कंपनीज एवरेज में अच्छा परफॉर्म कर रही है या बुरा परफॉर्म कर रही है, तो उसके लिए मैं ये इंडिकेटर्स चेक करता हूँ। जैसे कि बेटा समझना, मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, ठीक है, मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे, प्लीज प्लीज सुनो, देखो समझो मेरी बात को। जैसे कि बेटा मुझे एक बात बताओ, आपकी मम्मी जब क्या बाहर चावल खरीदने जाती है, चावल है ना, तो दुकानदार ने बोला कि यार ये देखो, ये ना राइस की बोरी है, चावल की बोरी है, इस बोरी में 10 किलो चावल पड़ा है। तो आपकी मम्मी गई एंड मम्मी ने बोला मुझे 5 किलो चावल चाहिए, तो दुकानदार ने बोला अरे भाभी जी आप चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए इसमें कि आपको ये वाली क्वालिटी पसंद है या नहीं इस बोरे की। तो बेटा मम्मी क्या करती है, वो क्या एक एक दाने को चेक करेंगी क्या, इसके अंदर एक एक दाना निकालेगी, बोलेंगी हाँ ये चावल का दाना अच्छा है ये ले लेती हूँ, फिर दूसरा चावल का दाना हाँ ये भी अच्छा लग रहा है ये ले लेती हूँ, फिर तीसरा निकालेगी चेक करेंगे ये भी अच्छा है, ऐसा कर देंगे नहीं, वो क्या करते हैं वो इसमें से एक वो मुट्ठी डालते हैं एंड कुछ कंपनीज कुछ चावल चेक करते हैं, अगर वो कुछ चावल मुट्ठी में अच्छे आएंगे तो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि पूरी की पूरी बोरी भी अच्छी होगी। वैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बेटा बहुत सारी अराउंड 2000 कंपनीज के शेयर लिस्टेड है, मैं हर एक कंपनी के शेयर को देखते बैठूंगा, मतलब मैं एक ओवरऑल व्यू लेना चाहता हूं कि मार्केट बढ़ रहा है या गिर रहा है, एक ओवरऑल व्यू लेना चाहता हूं। अगर मैं हर एक कंपनी के शेयर को देखते बैठूंगा तो शाम हो जाएंगी। तो इसलिए बोलते हैं कि इसमें से जो टॉप 50 कंपनीज हैं, जो टॉप 50 कंपनीज है सिर्फ इनके शेयर्स का एनालिसिस करो, अगर ये टॉप 50 कंपनी के शेयर्स की वैल्यू अगर बढ़ती है तो मार्केट में जो निफ्टी है उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो हम बोलते हैं अरे वाह, जो टॉप 50 कंपनीज है अगर उसके शेयर की प्राइस बढ़ रही है, मतलब पूरे मार्केट में एवरेज में प्राइसेस बढ़ रही होगी, समझ में आ रहा है। तो निफ्टी जो है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडिकेटर है, वैसे ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडिकेटर है बेटा सेंसेक्स, ठीक है। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अराउंड 5000 कंपनीज हैं, तो यहां पे इन्होंने बोला कि जो भी टॉप 30 कंपनीज हैं इसकी हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, उनके शेयर प्राइसेस को, उनके मार्केट वैल्यू को क्या करो, ट्रैक करो, अगर उनकी शेयर प्राइसेस बढ़ती है तो सेंसेक्स की वैल्यू जो है ना बेटा ये बढ़ती है, और इससे क्या हमें लगता है कि पूरे मार्केट में एवरेज में जो है ना प्राइसेस बड़ी होगी, मतलब मार्केट अच्छा चल रहा है, बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, समझा। तो हमने हमारे इस सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने जो ये जो निफ्टी के अंदर जो 50 कंपनीज है ना, इन 50 कंपनीज में से कुछ चुनिंदा कंपनीज को चुना है, इसमें से कुछ कंपनीज को, सम कंपनीज को उन्होंने चुना, एंड उसका डेटा आपको आपके सिलेबस में पढ़ना है, समझा बात। तो क्या लिखा है कि द मेथोडोलॉजी यूज्ड इज टू कवर द मेजर कॉर्पोरेशंस फ्रॉम निफ्टी 50 दैट सर्व एज अ पिलर्स ऑफ द इकोनॉमी इन अवर कंट्री। तो हमने क्या किया है, निफ्टी 50 में वैसे तो 50 कंपनीज का डेटा है, 50 कंपनी के डेटा को ट्रैक करते हैं, पर हम यहाँ पे कुछ कंपनीज उसमें से जो मेजर कंपनीज है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आपको ऐसा बताया गया है कि अगर हम इस चैप्टर में कंपनी, कॉर्पोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन शब्द यूज करें, इन तीनों का मतलब सेम होता है, कंपनी वाला कॉर्पोरेशन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री या सेक्टर ये शब्द भी दोनों सिमिलर है, है ना। जैसे मैंने बोला कि जियो क्या है बेटा, ये एक टेलीकॉम कंपनी है, एक टेलीकॉम कॉर्पोरेशन या टेलीकॉम ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन मैं जब बोला जियो, एयरटेल, BSNL एंड वोडाफोन आइडिया, ये सारी कंपनीज एक साथ क्या कहलाएंगी, इसे हम बोलेंगे कि ये टेलीकॉम
इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, इसे हम बोलेंगे ये टेलीकॉम सेक्टर को बिलोंग करती है। क्या फील आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जब मैं इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं तब कंपनी, कॉरपोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऐसे शब्द यूज करता हूं, जब मैं पूरे एक सेक्टर की बात कर रहा हूं तो उसे इंडस्ट्री या सेक्टर से बोलते हैं। तो इंडस्ट्री का मतलब होता है बेटा ग्रुप ऑफ कंपनीज इन सिमिलर बिजनेस। क्या ये सारी कंपनीज सिमिलर सेम बिजनेस में है, इसलिए इन सबको मिला के मैं बोल सकता हूं कि ये टेलीकॉम इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। समझ में आ रहा है? यस नो गाइस, फास्ट, वेरी गुड। आगे नेक्स्ट देखेंगे। तो बोलते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेशन, वी एक्चुअली रेफर टू अ सिंगल कंपनी। पर जब मैं ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात करता हूं, ग्रुप ऑफ कंपनीज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, तो मैं इंडस्ट्री या सेक्टर की बात करता हूं। ठीक है, आगे बोलता है द वेरी बेसिस ऑफ दिस चैप्टर इज निफ्टी 50, है ना? तो बोलता है पर निफ्टी 50 क्या है? बोलता है निफ्टी 50, बोलता है निफ्टी 50 इज द बेंचमार्क ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ परफॉर्मेंस, है ना? यहां पे हम वेटेड एवरेज लेते हैं बेटा 50 लार्जेस्ट इंडियन कंपनीज लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जो मैंने बोला वही चीजें इंग्लिश में लिखी है। बोलता है जैसे जैसे एक थर्मोमीटर हमारे टेम्परेचर को बताता है, वैसे ही निफ्टी जो है ये क्या बताता है? ये हमारे स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस को दर्शाता है कि अगर स्टॉक मार्केट में हमारी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो निफ्टी की वैल्यू बढ़ती है, अगर बुरा परफॉर्म करे तो निफ्टी की वैल्यू गिरती है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे हम देखेंगे इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट सम ऑफ दीज निफ्टी 50 कंपनीज एंड अंडरस्टैंड व्हाट टू नो अबाउट अ कंपनी एज अ प्रोफेशनल, कि एज अ प्रोफेशनल आपको कंपनी के बारे में क्या डेटा होना चाहिए। तो यहां पे हम अलग अलग सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आगे नेक्स्ट बढ़ता है, बोलते हैं कि कंपनी ओवरव्यू, हम जब कंपनी ओवरव्यू लेते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। हम सबसे पहले कंपनी का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कंपनी करती क्या है एग्जैक्टली, देन इसकी फिलॉसफी कि कंपनी फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहती है, अब उनके फ्यूचर के गोल्स क्या है एंड उसे वो अचीव करने के लिए अभी क्या करेगी। तो विजन मिशन हम देखेंगे हर कंपनी का। कंपनी के हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि पहले कंपनी कैसे स्टार्ट हुई थी, किसने स्टार्ट की थी, फाउंडर के बारे में पढ़ेंगे हम। कोर मैनेजमेंट टीम, उनका एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, चेयरमैन, फाउंडर कौन है, किसने कंपनी स्टार्ट की, इसके बारे में पढ़ेंगे। इनके पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ेंगे। पोर्टफोलियो मतलब क्या? कि ये कंपनी जो है कौन से टाइप का बिजनेस करती है, कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स बेचती है, कौन से टाइप के सर्विसेज देती है, इसे बोलते हैं पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट्स। कॉम्पिटिटिव सिनेरियो का मतलब क्या है बेटा? समझो जैसे डोमिनोज, डोमिनोज क्या करता है, ये पिज्जा बनाता है, तो डोमिनोज का कॉम्पिटिटर कौन है मार्केट में? तो जैसे पिज्जा हट। तो हम कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में ये पढ़ेंगे कि कोई पर्टिकुलर कंपनी के मेजर कॉम्पिटिटर कौन कौन है मार्केट में। पहले के जमाने में मतलब कि बेटा जुलाई 2020, जुलाई 2020 के पहले, जुलाई 2020 के पहले हमारे इंस्टीट्यूट आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बताता था हर कंपनी का। मतलब हर कंपनी का तुमको याद करना है क्या? हर कंपनी का सेल्स की वैल्यू याद करो, नेट प्रॉफिट कितना आया वो याद करो। अरे भाई साहब, ये क्या ये याद करते बैठेंगे क्या? अरे मैं क्या बोल रहा हूं कि किसी कंपनी का समझो है 6,000 करोड़, तो 6,000 तो इसमें भी एग्जैक्ट तो होगा नहीं, कुछ भी नंबर होगा, 6,5,7,8,9,2,1,5,6,7,8 बोले ये पूरा याद करो, अमाउंट कितना सेल किया लास्ट ईयर, पूरा अमाउंट याद करते बैठो, फिर प्रॉफिट का फिगर याद करते बैठो, ये इंस्टीट्यूट ने डाला था बुक में। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये डाला था बुक में, बाद में इंस्टीट्यूट को समझा यार ऑब्वियस सी बात है कैसे याद होगा यार, 30 35 कंपनी का ये याद करते थोड़ी बैठेंगे यार, है ये तो आप आसानी से जान सकते हैं गूगल पे, है ना? और ये तो बहुत डायनेमिक है, हर साल अलग ही होगा ऑब्वियसली। तो इसलिए इन्होंने इंस्टीट्यूट ने इसको हटा दिया बुक से, अब आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको।
तो वही है यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि फाइनेंस, वैसे कंपनी ओवरव्यू लेते वक्त आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी आपको जज करनी चाहिए, निकालनी चाहिए, एनालाइज करनी चाहिए, पर आपके बुक में अभी फिलहाल नहीं दिया है आसान बनाने के लिए। मार्केट पोजीशन, करेंटली मार्केट शेयर कितना है कंपनी का वो देखेंगे। बिजनेस इन न्यूज, अब क्या होता है बेटा बहुत बार कि आजकल आपने देखा होगा कि एक कंपनी क्या करती है, दूसरी कंपनी को अक्वायर कर लेती है। जैसे वॉलमार्ट ने क्या किया, वॉलमार्ट ने बेटा फ्लिपकार्ट को अक्वायर कर लिया है। ये कुछ बच्चों को नहीं पता होगा पर ऐसा हुआ है ना। ऐसे ऐसा होता है कि कुछ कंपनी जो है ना दूसरी कंपनी को अक्वायर कर लेती है। तो ये न्यूज में आता है कि इन्होंने क्या बताया, किसके साथ मर्जर, कौन से कंपनी को अक्वायर किया है, क्या क्या इन कंपनीज को कोई अवार्ड्स वगैरह मिले हैं क्या लेटेस्ट में, है ना, और अवार्ड्स वगैरह मिले हैं क्या, ये हम देखने वाले हैं हमारे इसमें। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम क्या देखेंगे बेटा, नेक्स्ट जो चीज है बेटा, ऐसी ना बहुत सारी ग्लोबल मैगजीन्स होती है। मैगजीन बेटा तुम जो मैगजीन पढ़ते उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। यहां पे क्या बताइए, हाँ है ना, यहाँ पे जो है क्या बताइए, यहाँ पे जो है कुछ मैगजीन के बारे में बताया, जैसे कि फॉर्ब्स मैगजीन, जैसे कि फॉर्च्यून मैगजीन। तो ये फॉर्ब्स मैगजीन, फॉर्च्यून मैगजीन क्या बेटा, ये बिजनेस मैगजीन्स है। इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डेटा दिया रहता है। तो ये मैगजीन वाले क्या करते हैं बेटा, ये ना रैंकिंग्स इशू करते हैं, रैंकिंग रैंकिंग्स इशू करते हैं हर साल। मतलब हर साल ये लोग लिस्ट इशू करते हैं कि हु इज द बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ 2020-21। तो इसमें पूरी रैंकिंग दी रहती है कि कौन सी कंपनी बेस्ट एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयज को कौन सी कंपनी में जाके ज्यादा मजा आता है, ज्यादा अच्छा लगता है, बेस्ट एम्प्लॉयर। फिर वर्ल्ड की लार्जेस्ट पब्लिक कॉरपोरेशन कौन सी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पब्लिक कॉरपोरेशन कौन सी है, इसकी लिस्ट आती है, रैंकिंग दी रहती है, ये हर साल अपडेट होती है। फिर फॉर्च्यून वाले बोलते हैं फॉर्च्यून 500 कंपनीज, मतलब क्या टॉप, पूरे दुनिया की टॉप 500 कंपनीज कौन सी है, वो फॉर्च्यून 500 कंपनीज के लिस्ट में दिया रहता है। तो हम यहाँ पे हर एक कंपनी का रैंक भी देखने वाले हैं। तो रैंक हमें देखना है, पर कैसे याद करना है मैं बताऊंगा, सब चीजें आसान हो जाएगी। आज बस आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। कल बेटा क्या है मुझे बताना जल्दी से, कल जो है ना, कल मतलब मंडे को, मंडे को मैं आपको इस चैप्टर का क्या करूंगा, मंडे को मैं आपको इस चैप्टर का मेमोरी टेक्निक बताने वाला हूं। तो ये मंडे को होने वाला बेटा 21 फरवरी 2 बजे, मेमोरी टेक्निक्स बताऊंगा आपको, इंडियन कंपनीज के मेमोरी टेक्निक बताऊंगा। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा। आज बस इंट्रोडक्शन आप सुन लीजिए पहले। ठीक है, तो इस चैप्टर में करेंगे क्या वो बता रहा हूं। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे इधर। हाँ, तो बोलते हैं कि देखो यार बहुत सारे इवेंट्स डेली बेसिस पे चलते आ रहे हैं, है ना, हर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज आते रहती है। गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक सोशल पॉलिसीज बदलते रहता है, बहुत बार गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी लेके आ गए तो बहुत बड़े बिजनेस कंपनी के ओनर वगैरह कुछ उस पर कमेंट करते हैं, तो आपको व्यूज पता चलते हैं, है ना। परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, जैसे अभी जो है फार्मा सेक्टर अच्छा चल रहा था, है ना, आपका जो टेक वाला सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, वो बहुत अच्छा चल रहा था इकोनॉमी में, क्योंकि सारी चीजें क्या ऑनलाइन हो चुकी थी। इसीलिए इकोनॉमिक कंडीशंस, इंडिकेटर्स, फैक्टर्स के बारे में आपको डेटा मिल सकता है ना। मतलब काफी सारे चेंजेस होते रहते हैं इकोनॉमी में, जिसके बारे में न्यूज आती है, किसमें, न्यूज़पेपर्स में, है ना, आपके टीवी में, न्यूज चैनल में आपको इसकी न्यूज दी जाती है। अब आप जब वो न्यूज देखने बैठेंगे तो आपको तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा, आपको पता ही नहीं है कि कौन सी कंपनीज हैं, कंपनी के सीईओ कौन है, मैनेजर कौन है। तो ये सारी चीजों को डेटा आपको पता रहना चाहिए, ये सारी चीज आपको समझनी चाहिए, इसलिए ये चैप्टर आपके बुक में डाला हुआ है, आपके सिलेबस में डाला हुआ है। समझ में आ रहा है। सो मच हैपेंस एवरी मिनट इन द बिजनेस वर्ल्ड दैट अनलेस वी कीप आवरसेल्फ्स अपडेटेड विद द चेंजेस वी कैन नॉट एडजस्ट आवरसेल्फ्स, है ना, टू देम और मूव विद टाइम सक्सेसफुली। मतलब क्या कि यार इतनी सारी चीजें चेंज होते जा रही है बिजनेस वर्ल्ड में, चेंज होते जा रही है दिन ब दिन, आपको वो पढ़ना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए, जिसके लिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज लगेगी तो वो इस चैप्टर के थ्रू मिलेगी, चैप्टर 6 के थ्रू मिलेगी, जिससे आप जो है अपने आपको अपडेटेड रख सकते हैं।
So being a CA student, it is important to grasp the business news on a regular basis. आप एक सी ए स्टूडेंट है, आपको हर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में नॉलेज होना ही चाहिए। तो ये न्यूज आपको डेली बेसिस में देखनी चाहिए बोल रहा है, जिसका नॉलेज जो है आपको कहाँ मिलेगा बताइए, आपके इस चैप्टर में मिलेगा। अब इसमें ना बेटा अपन इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, हम इस चैप्टर में हर एक कंपनी का है ना, इस चैप्टर में बेटा रॉयल राज बोल रहा है, सब पूरा एक्सप्लेन नहीं हो क्या कि मुस्कान आर्या जी, मुस्कान जी मेरी बात सुनना बेटा, मुस्कान आपके लिए जवाब दे रहा हूँ, मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात सुनेंगे बेटा। इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर, इकोनॉमिक्स चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 बीसी के चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 5 बेटा, ये चैप्टर के मेरे वीडियोज ना यूट्यूब पे आपको कहीं ना कहीं स्पेशल क्लास में वगैरह मिलेंगे, एक बार जाके देख लेना आप कि मैं कितना ज्यादा डीप आपको पढ़ाता हूँ, कितना लॉजिकल आपको पढ़ाता हूँ। तो अगर आपको ये देखना है कि एनवी सर कितना लॉजिकल पढ़ा सकते हैं, एक बार बोल रहा हूँ जाके ये चैप्टर की वीडियो देखे, या एक बार कॉन्सेप्ट कैप्सूल करके मैंने सीरीज ली थी वो जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको कितनी मिलेगी। एक सीरीज ली थी मैंने, कॉन्सेप्ट कैप्सूल सीरीज, पर मैं बेटा ये सब्जेक्ट बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कौन सा चैप्टर कैसे पढ़ाना है, ठीक है। बीसी के चैप्टर थ्री में मैंने इसके भी डीप लेक्चर्स लिए हैं, डिटेल लेक्चर्स लिए हैं। तो अगर आपको इसके डिटेल लेक्चर्स चाहिए ना पुराने वाले, मैं आपको डलवा दूंगा लाइव डेली में, आप जाके देख लेना, मजे कर रहा हूं देखते बैठो, पर ये आपको हेल्प नहीं करते हैं ज्यादा। ऑब्वियसली आपको नॉलेज के लिए तो हेल्प करेंगे ही, नॉलेज तो आपका बढ़ेगा ही, लेकिन अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें आखिरी दिन पे रिवीजन भी करना है। तो उस चीज के लिए इस चैप्टर को आसान तरीके से कैसे पढ़ा जाए, मैं वैसे पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप बच्चों में ना बेटा पेशेंस की बहुत ज्यादा कमी है, अब रुको ना यार, अभी चलने दो, तो पहला तो सेशन है, देख लो मैं कैसे पढ़ाऊंगा, ठीक है, धैर्य रखेंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए वापस आएंगे, हाँ तो धैर्य रखेंगे बेटा, धैर्य रखेंगे तो पता चलेगा आपको। चलिए इधर आइए, अब यहाँ पे आपको हर एक कंपनी का चेयरमैन कौन है, एमडी, सीईओ, सीएफओ, सीओओ कौन है, ये आपको बताया जाएगा। तो इसका मतलब जानना भी बहुत जरूरी है। अब मजे की बात आपको बताता हूं, दिसंबर 2020 में मैंने अनअकैडमी पे सेशन लेना चालू किया था, मतलब इस अटेम्प्ट के लिए, और पहले आपके इंस्टीट्यूट ने ये चीज आपके बुक में नहीं लिखी थी। मतलब इंस्टीट्यूट क्या करता है बता रहा हूं, देखो इंस्टीट्यूट क्या करता है बेटा, वो हर एक कंपनी का डेटा आपको देता है, हर एक कंपनी का पूरा डेटा आपको देता है। जैसे देखो ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इस प्रकार के हमारे नोट्स रहेंगे, इस प्रकार के हमारे नोट्स रहेंगे इसके बीसी के चैप्टर थ्री के, वो हर एक कंपनी का आपको डेटा देंगे, बोलेंगे ये चेयरमैन है, सीईओ है, ये सीएफओ है। पर चेयरमैन होता कौन है, सीईओ किसे बोलते हैं, सीएफओ किसे बोलते हैं, ये तो समझ में नहीं, हमको पता ही नहीं है। तो ये चीज मैंने ऑलरेडी मेरे नोट्स में पहले से ही डलवाई थी, और बाद में इंस्टीट्यूट ने जुलाई 2021 में यहां पे भी डलवा दिया है। देखो आपके बुक में ये भी अब दे दिया है कि इनका मतलब क्या है, ये देखिए, डेजिग्नेशंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट, तो अब ये चीज यहां पे भी आ चुकी है। तो वही चीज अब हम आपको यहां पे बता रहे हैं, एक बार सुन लेंगे यहां पे, और ये आज का लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा। मंडे को आपको सेशन मिस करना ही नहीं है, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ मंडे को, मैं आपको मंडे को बेटा इसका मेमोरी टेक्निक बताऊंगा। मैं मंडे को आपको जो हमारा एक घंटे का सेशन है, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, हाँ मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ बेटा ये चीज कि आपको ये पूरा याद हो जाएगा, 100% बोल रहा हूँ, 100% ये चीज याद हो जाने वाली है। कैसे याद होगी वो मैं बताऊंगा बाद में, मंडे को बताऊंगा, ठीक है। यस बोल रहा है सर आपकी वीडियो देखते हैं इंस्टीट्यूट, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा है बेटा, ऐसा नहीं कि सर मैं ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, है ना, मैं बस बता रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी वो चीज पढ़ा था, फिर इंस्टीट्यूट को भी लगा कि वो इंपॉर्टेंट है तो उन्होंने डलवा दिया बुक में, है ना। इंस्टीट्यूट में ऑब्वियसली बेटा बहुत एक्सपीरियंस लोग ऑलरेडी है, सीनियर्स है,
वो सब जो सही होता है बच्चों लोग करते हैं। चलिए वापस आते हैं। तो सबसे पहले बात आती है बेटा चेयरमैन। चेयरमैन कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो जनरली कंपनी का मेजर पोर्शन का ओनर होता है। जैसे रिलायंस में मेजर पोर्शन का ओनर कौन है? मुकेश अंबानी, इसलिए वो चेयरमैन है कंपनी का। तो जनरली चेयरमैन वही व्यक्ति होता है जो कंपनी का मेजर पोर्शन मतलब सबसे ज्यादा शेयर्स उसके पास होते हैं, वो जनरली चेयरमैन होता है। और वही हमारे मैनेजमेंट का टॉप मोस्ट लेवल पे होता है। देन आता है बेटा सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उसका लीडर होता है। ये बिजनेस के लिए फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजंस लेता है। एंड जब भी समझो आपको पता है हर कंपनी वाले कुछ इंटरव्यू वगैरह देते हैं, जैसे न्यूज चैनल वाले कभी आ गए है ना, नए प्रोडक्ट लॉन्च हुआ उसके लिए, तो उसमें सीईओ जाके कंपनी के बिहाफ पे इंटरव्यूज वगैरह देता है। तो ही इज द पब्लिक फेस ऑफ द कंपनी। एमसीक्यू आ सकता है कि हु इज द पब्लिक फेस ऑफ द कंपनी, तो जनरली सीईओ होता है पब्लिक फेस। देन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है? ही इज ऑल्सो क्या बताइए, ये भी हमारा कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट होता है। He ensures that the decisions of the board are being implemented. तो जो भी board of directors decision लेते हैं वो सही में implement हुआ या नहीं वो ensure करवाता है MD, right? And जो है यहाँ पे क्या बताइए, बहुत बार MD जो है वही CEO भी होता है। ऐसा होता है कि CEO और MD same व्यक्ति है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा कोई वो नहीं है। और ये क्या करता है? ये chairman को जाके report करता है। समझ में आ रहा है? तो ये जाके चेयरमैन को रिपोर्ट करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट डायरेक्टर कौन होता है? तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पार्ट होते हैं उसे हम जनरली डायरेक्टर्स बोलते हैं। ये सीईओ को जाके रिपोर्ट करते हैं डायरेक्टर्स। आगे सीएफओ। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बेटा, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन में आप टॉप मोस्ट कौन सा लेवल अचीव कर सकते हैं? तो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब ऑन द कैपेसिटी ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप टॉप मोस्ट जो है सीएफओ बन सकते हैं किसी कंपनी के। ऑब्वियसली अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट करेंगे तो आप उसके चेयरमैन भी बन सकते हैं। लेकिन समझो कोई कंपनी जैसे रिलायंस कंपनी भी चालू है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है, इसमें अगर कोई सीए जुड़ता है तो वो सीए मैक्सिमम कौन से पोजीशन तक पहुंच सकता है? सीएफओ तक। ये टॉप मोस्ट लेवल होता है अकाउंटेंट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो वो क्या लिखा है सीएफओ के लिए कि ही इज द हेड ऑफ द फाइनेंस of the entire organization. तो पूरे organization का जो finance का head होता है वो होता है CFO, Chief Financial Officer. समझ मारा है? Generally chartered accountants ही होते हैं जिन्हें हम CFO as a CFO क्या करते हैं, hire करते हैं हमारे companies के अंदर, और ये CEO को जाके report करता है। And finally बेटा COO, Chief Operating Officer. अब जो COO जो है ना बेटा, COO जनरली इंडिया में ये COO टर्मिनोलॉजी हम यूज नहीं करते हैं। जनरली COO टर्मिनोलॉजी हम इंडिया में यूज नहीं करते हैं। जो ग्लोबल कंपनीज होती है वहां पे COO भी होता है, जिसे बोलते हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। क्या बोलते हैं? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। बेटा MD CMD एक ही बात होती है। ठीक है, तो क्या है बताइए फास्ट? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ये क्या करता है? ही ओवरसीज मतलब निगरानी रखता है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल फंक्शंस ऑफ द बिजनेस। तो जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती है उस पर निगरानी रखता है, और ये भी जाके सीईओ को रिपोर्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आता है बेटा बताइए? सबसे पहले कौन आता है? आपका चेयरमैन आता है। ठीक है, सबसे पहले चेयरमैन आता है। चेयरमैन के नीचे कौन होता है बेटा? MD। इसके नीचे कौन होता है? आपका सीईओ। बहुत बार MD एंड CEO सेम व्यक्ति भी हो सकता है, कैन बी सेम पर्सन, ऐसा हो सकता है। चेयरमैन और MD भी सेम पर्सन हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि चेयरमैन MD CEO तीनों एक ही व्यक्ति है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, देन CEO के अंदर, CEO के नीचे कौन आएगा बताइए? आपका CFO आएगा, देन आपके COO आएंगे, एंड इसके नीचे फिर कौन आएंगे? आपके जो नॉर्मल डायरेक्टर्स होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, वो आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है चेन ऑफ कमांड। ठीक है, एकदम सिंपल बात है, अपने बेसिक्स लिया है। इसमें आप और डिटेल में फिर जा सकते हैं कि मैनेजमेंट कौन संभालता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन संभालता है, तो और डिटेल जा सकते हैं। फिलहाल सिंपलिसिटी के लिए अपन ऐसा इसे पढ़ेंगे बस। आगे
अब बात आती है कि हम मंडे को बेटा स्टार्ट करेंगे इसकी मेमोरी टेक्निक्स पढ़ना। तो आज मैंने ये सेशन क्यों लिया, ताकि आपको पता चले कि चैप्टर 3 के बेसिक्स क्या है, इसका इंट्रोडक्शन हमने दिया है। मंडे को हम इसके मेमोरी टेक्निक्स देखने वाले हैं, कितने बजे, 2 बजे मंडे को 2 बजे आपको आना है। ठीक है सर, एम्प्लॉय कौन से स्टेज में, डायरेक्टर के नीचे, इससे और नीचे आएगा ना, जो ऑपरेशनल लेवल के लोग होते हैं वो एम्प्लॉयज आएंगे इसके नीचे, जो नॉर्मल एम्प्लॉयज है वो आएंगे। ठीक है एम्प्लॉयज का आते बोले, ठीक है चलो। ठीक है तो ये कब देखेंगे अपन, मंडे को देखने वाले हैं। ठीक है तो बहुत मजा आएगा, जरूर आइए 2 बजे, जबरदस्त धासु सेशन होने वाला है बेटा मेमोरी टेक्निक्स वाला। मैं एक बार आपको बस इसे बता देता हूँ बेटा, चलो मोनीश वोरा मेमोरी टेक्निक्स बीसी के चैप्टर 3 में यूट्यूब पे सर्च करो बेटा आपके सामने। ये देखिए मेरा पहला जो है सेशन 10 महीने पहला 27,000 व्यूज इस पे आ चुके हैं ऑलरेडी, ये इस पे 11,000 व्यूज आ चुके हैं। तो एक्चुअल में ये जो हमारे मेमोरी टेक्निक्स होते हैं काफी बच्चों को पसंद आते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे जो है आप कमेंट्स भी चेकआउट कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त मेमोरी टेक्निक्स है, बहुत हेल्प आपको होने वाली है। ठीक है तो विश्वास रखें बहुत जबरदस्त हो जाएगा बीसी के चैप्टर 3, विश्वास रखें सब अच्छे से हो जाएगा। ठीक है तो मंडे को मैं ये करवाने वाला हूँ। ओके चलिए, यस सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप कि आपको जो है आज का सेशन अच्छा लगा होगा। राइट आप जो है हम क्या कर सकते हैं, हमारे मिशन सक्सेस बैच को ज्वाइन करें यार, अभी भी समय है, आज लास्ट डे है 20% ऑफ का। जो बच्चे इस बैच को ज्वाइन करेंगे उनको मेरे ये नोट्स भी मिलने वाले हैं, उन बच्चों को ये नोट्स भी मिलेंगे। तो अगर आप मेरे इन नोट्स को भी पाना चाहते हैं, लाइव पढ़ना चाहते हैं फुल कोर्स, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू अगेन। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करके बताइए आपको मुझसे पढ़ के कैसा लगा है। मंडे को मिलेंगे 2 बजे मेमोरी टेक्निक्स के साथ, मिस नहीं करना है सेशन। ठीक है थैंक यू सो मच गाइस।